जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल हो गया है कुछ जोन का, और कुछ जोन का फिजिकल अभी चल रहा है। बाकी जो जोन बचे थे उनकी डेट भी आ गई है, जैसे पटना वगैरह है तो पटना की डेट भी आ गई है। आप लोगों का फिजिकल जल्दी ही हो जाएगा। और जिन जिन का भी फिजिकल क्वालिफाई हुआ है, जो पर्सन मेरे मतलब कॉन्टैक्ट में थे, तो उन्होंने यहाँ पर कमेंट भी किया है यूट्यूब पर, और जो लोग इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पर उन लोगों ने बताया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है तो। और बाकी जिस चीज़ जोन का फिजिकल हो गया है, जिन्होंने रिजल्ट दे दिया है, तो उनकी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ गई है। जैसे मैं बात करूँ सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद का फिजिकल होने वाला है, मतलब फिजिकल तो हो गया कंप्लीट, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी उन्होंने दे दी है। 7 फरवरी से सिकंदराबाद जोन की मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए, अब एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया पढ़ लिख के, और जो हमारा फिजिकल है वो भी रनिंग हमने क्वालिफाई कर ली तैयारी करके, नॉर्मल है रनिंग भी। आप जिन लोगों ने रनिंग दी है उनको पता ही होगा कि सब कुछ ठीक ही है। अब आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात और मेडिकल की बात। तो कुछ डाउट है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लेकर जाना है, मेडिकल में क्या क्या चीज़ चेकअप होगा, कैसे उस चीज़ को फेस करना होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर और एक मेडिकल की वीडियो मैं आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगा, और अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, राइट। फिर भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। जैसे देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिकंदराबाद की बात कर लेता हूँ 7 फरवरी से। तो आप लोगों को जो अपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम डॉक्यूमेंट वहाँ पर मेंशन किया था, जो जो चीज़ फिलअप की थी वहाँ पर, वो आपको चाहिए चाहिए, राइट। जैसे आपका फोटोग्राफ चाहिए, 2-3 फोटोग्राफ लेकर जाना है पासपोर्ट साइज़ का, और आपका मार्कशीट चाहिए 10th क्लास का, अगर 12th से किया है तो 12th का, अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का। उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा लगाया है, जैसे ITI लगाया है, BTEC लगाया है, या पॉलिटेक्निक लगाया है, तो वो डिप्लोमा चाहिए वहाँ पर। आपका कास्ट का कोई अगर इश्यू है, जैसे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो वहाँ पर आपका कास्ट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं या फिर नॉन PWBD कैंडिडेट हैं तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, और CCA क्या है, आपने अप्रेंटिस किया है तो वो चाहिए, है ना। एक्स सर्विसमैन का अलग कंडीशन है, तो वो सब चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर जानी होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर जाना होगा, और बाकी उसका जेरोक्स भी, 2-2, 3-3 जेरोक्स भी लेकर जाना होगा वहाँ पर, राइट। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके 1-2 दिन के अंदर ही वो वहाँ पर मेडिकल की डेट लिख देते हैं, तो नॉर्मल आपका मेडिकल भी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं भी है तो अभी आपके पास 15-20 दिन का टाइम है, आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिए, हो जाएगा सब कुछ ठीक। और मेडिकल के ऊपर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा, राइट। तो इस टाइम तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यही डॉक्यूमेंट चाहिए, और बाकी जो जॉइनिंग का टाइम होता है वहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। वहाँ पर तो पुलिस का वेरिफिकेशन चाहिए होता है, और आपका गैजेटेड ऑफिसर के साइन चाहिए होते हैं बहुत सारे सर्टिफिकेट पर, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और मतलब बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो बात जॉइनिंग के टाइम की है, ठीक है। तो देखिए, अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, फिर आपका पैनल आएगा, और जल्दी आप लोगों का जॉइनिंग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी बात समझ पाए होंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।